गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं आप सबकी शालिमा और आप सुन रहे काबिल। तो चलिए आपको बताते हैं प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ, ऋषि जो होती है वो शिवी से अलग होने के लिए डिमांड कर देती है और शिवी जो होती है वो डिनाई कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसका लास्ट पार्ट बना रही हूँ, ये स्टोरी का एंड कर रही हूँ और उम्मीद है स्टोरी का एंड पसंद आएगा। तो हमारी जो शिवी होती है वो काफ़ी ट्राई करने के बाद, काफ़ी समझाने के बाद, जो ऋषि को समझाने की कोशिश कर रही होती है, ऐसे ही इन दोनों के बीच काफ़ी महीने निकल जाते हैं और वो चीज़ उनके दरमियान चलती रहती है। ऋषि दो जगह प्रेजेंट होती है, एक तो शिवी के लाइफ में और दूसरा जो उसके लाइफ में नया पर्सन आया होता है वो, और उसके साथ काफ़ी खुश और काफ़ी अलग ही महसूस कर रही होती है ऋषि। और मगर उसको अचानक से शिवी जो होती है उसका प्यार अचानक से बदल चुका होता है उसके लिए, अचानक से ही सब कुछ चेंज हो चुका होता है। ऋषि को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि वो मजबूर भी होती है कि ऐसे वो शिवी को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसने शिवी के लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज किया है और फिर से वो जाए और उसकी ज़िंदगी बेरंग हो जाए वो नहीं चाहती है। और जैसे भी हो, शिवी उसके साथ काफ़ी वक्त से रही है तो ऑब्वियसली ऋषि को एक इमोशनल कनेक्शन तो बनेगा ही। ऋषि काफ़ी ज़्यादा सोचती है और कुछ कहती नहीं है, और जो चीज़ें होती हैं वो समझ नहीं आ रही होती हैं कि ऋषि क्या करे। और शिवी जो होती है वही वो अपना रूटीन मेंटेन करती है। मोहब्बत तो होती है मगर किसके साथ सच्ची होती है अब उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है, क्योंकि ऋषि ने हमेशा एक बार किसी से ब्रेकअप करके ही रिलेशनशिप में गई होती हैं। अब जो होता है कि शिवी बस ये कह रही होती कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, ऐसे शिवी अलाउ करती है। मगर ऋषि को ये बात बुरी लगती है क्योंकि तुम अलाउ ही क्यों कर रही हो, ये समझना चाहती है कि जब तुम्हें प्यार है, जब तुम उससे प्यार करती हो तो कभी कभी होता ना कि यार कभी कभी हक जताना ज़रूरी होता है, और जब आप हक नहीं जताते हो तो तब ये जता देते हो कि तब वो आपको ऐसे फ्री रखा हुआ है कि आपके होने से ना होने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऋषि और शिवी में खासा कुछ बात नहीं होती, नॉर्मली जो भी बात होती है डेली रूटीन मेंटेन होता है। और हमारी जो शिवी होती हैं सेम थिंग, दोनों एक दूसरे के लिए डेली रूटीन मेंटेन करते हैं। और जो ऋषि होती है वो अपने नए प्यार की वजह से, अपने एक नए कनेक्शन की वजह से काफ़ी खुश होती है, मगर उस खुशी में कितना किसको हर्ट कर रही है वो उसको नहीं समझ पा रही होती है कि इधर शिवी भी हर्ट हो रही है, अगर कल को वो जिससे बात कर रही है अगर उससे भी अलग हुई तो उसको भी हर्ट होगा। ऋषि क्या कर रही होती है ऋषि को खुद नहीं पता होता है। ऋषि सोचती है कि अब उसके लाइफ में एक इंसान है जिसके लिए उसको जीना है और सब कुछ जो वो इमेजिन करके रखी हुई है वो सब करना है, बट वो ये सब चीज़ें नहीं सोचती है और बस जो हो रहा है होने देती है। कुछ वक्त तक उससे बात करती है, 6 मंथ होने को होते हैं, फिर ऋषि और जो उसके लाइफ में जो नया पर्सन आया हुआ होता है उससे उसकी फ़ाइट हो जाती है। फाइट लाइक दैट कि कुछ मेज़र नहीं हुआ होता है, बट ऋषि के लिए वो मेज़र रहता है
और वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और उसको थोड़ी सी गलत फहमी हो जाती है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही फ्री कर दिया था, इसलिए आज ये हुआ। और वो उसे बात बंद करने का मन बना लेती है कि अब वो उसे बात नहीं करेगी। इधर ऋषि थोड़ा सा अब जब भी अब बात करना ना करने का मन बनाने के बाद उसको हमेशा, अभी जब वो बात करना बंद कर चुकी होती है उससे, तो उसको हमेशा मिस करना, उसको याद करना, उसको मतलब ऐसे सारी चीज़ें फील होती रहती हैं जैसे ऋषि ने अपना चैन सुकून सब कुछ खो दिया है। जो शिवी होती हैं वो देखती हैं कि ऋषि परेशान है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि वो क्या ऋषि से क्या चाहती थी शायद शिवी को भी नहीं पता था। बस शिवी को ये लगता था कि ऋषि वो बस उनके ही बन के रहे और बस यही उनका इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन कभी कभी सच भी हो जाता है, जो वो सोचे हुए होते हैं शायद पूरा हो ना हो, मगर शिवी शायद बड़े दिल से पूरा होने का मन्नत मांग रही होती हैं, इसीलिए शायद पूरा भी हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो हमारे ऋषि जो होती हैं वो बिल्कुल ही बात करना बंद कर देती हैं और अब वो दोनों साथ रहना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के भी सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। जब धीरे धीरे फिर से चीज़ें ठीक होती हैं, ऋषि थोड़ा सा अब उसमें फंस चुकी होती है कि कौन किसके लिए सही है या सही था या होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ना बात करते हुए भी वो जिससे बात कर रही होती है ऋषि, वो उसके दिमाग में प्रेजेंट होती है और वो उसको ना भुला पा रही होती है ना साथ चल पा रही होती है। तो हमारी जो ऋषि होती है वो अब सोच लेती है कि नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और फ्रेंड्स इन दोनों की स्टोरी ऐसे ही पूरी होती है। बंदे बिगड़ते रिश्ते और कभी कभी ख़राब हालात हमें कहीं से कहीं और पहुंचा देते हैं। ऋषि और शिवी में भी यही डिफरेंसेस होता है कि एक बार शिवी ने गलत, एक बार नहीं कई बार गलत किया और ऋषि ने एक बार गलत किया, मगर इनके रिश्ते कितने स्ट्रांग रहेंगे, कितना चलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट एट अ टाइम दिस कंडीशन वो अभी साथ हैं, अलग नहीं हुए, साथ हैं, तो उम्मीद है वो आगे भी साथ रहेंगे लाइफ में और उनकी जर्नी कंप्लीट होगी एक ना एक दिन। या ये सच्चा प्यार है या नहीं है, वो दोनों में से कौन एक दूसरे के काबिल है या नहीं है, क्या पता। तो आप सब बताइएगा ज़रूर कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी और इसकी एंडिंग भी, क्योंकि इसकी एंडिंग मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है और उस स्टोरी में बस इतनी ही बात थी और वो बात मैंने आप तक पहुंचा दी। तो याद रखिएगा अपनी सोच में, अपने ख्याल में काबिल को। बाय बाय, टेक केयर।